एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं कि किस तरीके से हर इंसान को अपनी मेहनत करनी चाहिए अपने गुणों को देखकर। वे बताते हैं कि एक गांव के अंदर एक आलसी व्यक्ति रहता था। वह बस दिन भर सिर्फ यही सोचता था कि कैसे भी उसे खाना पीना हो जाए, और वह कोई काम नहीं करता था। कई दिन उसे खाना मिलता भी था। एक बार वह घूमते भटक फिरते एक बाग में पहुंचा जहां आम से लदा हुआ पेड़ था। आम देखते ही उसका मन किया कि आम खाए, और उसने पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो चढ़ा, देखा कि आम का जो मालिक था वो आ गया। अब वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ के भागा वहां से, कूद के भागा वहां से। भागते भागते वह जंगल में पहुंचा और वहां देखा कि एक लोमड़ी जिसका पैर टूटा हुआ है वह जंगल में घूम रही है, और वह देख के आश्चर्यचकित हुआ कि भाई इसकी आज तक मृत्यु क्यों नहीं हुई, शेर चीतने से खाया क्यों नहीं आज तक। यह देखने के लिए कि यह लोमड़ी कैसे जिंदा रहती है, वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उस लोमड़ी को देखने लगा। कुछ देर बाद वहाँ शेर की गुर्राने की आवाज़ आने लगी, और जैसे ही वहाँ शेर पहुँचा, शेर के आते ही सब जंगली जानवर भाग गए, लेकिन वह लोमड़ी क्योंकि पैर टूटा था चल नहीं पा रही थी, वहीं खड़ी रही। शेर आया, शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर ने वह लोमड़ी के नीचे रख दिया और लोमड़ी ने उस मांस के टुकड़े खाना शुरू कर दिया। यह देखकर वह आदमी बोला कि भगवान बड़ा दयालु है, उसने हर इंसान के लिए भी और जानवर के लिए भी खाने की व्यवस्था कर रखी है, तो अब मुझे तो कोई काम करने की ज़रूरत है ही नहीं। वह घर आया और 3 दिन बस दुआ करता रहा, भगवान मुझे खाना दे, कहीं से भी खाना दे, कुछ भी खाना दे। जब कुछ भी खाना उसे मिला नहीं, तो वह थक हार के बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध से कहता है, भगवान क्यों मेरे लिए ऊपर वाले ने खाने की व्यवस्था नहीं की है, जबकि उसने जानवरों के लिए भी कर रखी है। और उस बुद्ध को शेर की और लोमड़ी की कहानी बताई, तो बुद्ध बोले, बेटा भगवान ने तुम्हारे लिए खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं की क्योंकि तुम लोमड़ी नहीं हो, भगवान तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं ताकि तुम खुद भी खाओ और दूसरे के लिए व्यवस्था करो। तो हमेशा अपने आप को पहचानो और अपने उस हिसाब से काम करो। यही इस कहानी का शीर्षक भी है और इसी का इसका श्रेय है। आप लोग कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।